हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सफ़ेद वाले मटर के छोले, और उसे मैंने सर्व किया है गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। ये रेसिपी जितनी ही स्वादिष्ट है उतनी ही बनाने में आसान है। तो इसे आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। फिर चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी ये सफ़ेद वाली मटर। मैंने उसमें थोड़े से काले चने भी ऐड कर दिए थे। इसे पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिया था। सुबह इसे धो के कुकर में मैंने डाल दिया, और एक छोटी चम्मच हल्दी और एक छोटी चम्मच नमक डाल के, पानी डाल के मैंने इसे सीटी लगने के लिए रख दिया। वहीं दूसरे कुकर में मैंने तेल गरम किया, उसमें डाल दिया मैंने एक छोटी चम्मच के करीब जीरा। जब जीरा चटक गया मैंने उसमें दो तेज पत्ता डाल दिया, और कुछ पत्तियां कड़ी पत्ता के मैंने इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद एक रफली कटा हुआ बड़ा प्याज, वो भी मैं इसके अंदर डाल दी हूँ, और डाल के उसे मैं भूनूंगी। यहाँ मैं डाली हूँ एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। जब ये प्याज हमारा हल्का लाल हो जाए, ये जब आपका प्याज भून के तैयार हो जाए, लाल हो जाए हल्का, तब आप इसके अंदर एक बड़ा प्याज जार में पीस लीजिएगा, कच्चा प्याज, और उसका पेस्ट हमें इसके अंदर डालना है। उसके बाद हमें डालना है नारियल को कद्दूकस करके, कच्चा जो पानी वाला नारियल आता है वो। यहाँ मैंने एक आलू को पीस के उसका भी पेस्ट देखिए बन चुका है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और डाल के इसे हम भूनेंगे। और इन सबको खूब अच्छे से भूनना है। उसके बाद आ गई मसाले की बारी। यहाँ मैंने एक छोटी चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पे लिया है सब्जी मसाला और गरम मसाला एक छोटी चम्मच। मैंने सभी मसालों को लिया है, वो मसाले आप इसके अंदर डाल दीजिए, और डाल के थोड़ी देर के लिए भूनिए। उसके बाद आप जो ये सफ़ेद जो मटर है बॉईल करके रखे थे वो भी इसके अंदर डाल दीजिए, डाल के पानी डाल दीजिए। इसमें देखिए दो ग्लास के करीब पानी डालिएगा। और मैं एक बड़ी आलू बॉईल करके रखी थी, उसे भी मैंने इसे हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली हूँ। डालने के बाद में मैंने इसे सीटी लगाया, करीब तीन सीटी। मैंने पहले तो पका चुकी थी मटर को, फिर भी लगाई हूँ मैं तीन सीटी। यहाँ मैं उसे सर्व करूँगी पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी के साथ में। तो आप इसे पराठे के साथ खाइए, कुलचे के साथ खाइए, या फिर रोटी के साथ में खाइए। आपको जैसे खाना पसंद है आप वैसे खाइए, लेकिन ये ज़रूर से ज़रूर ही बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसे भी जाके एक बार ट्राई करें, और कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक दीजिए और शेयर करिए। मैं आगे भी और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपी लाती रहूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं ज़्यादातर आप लोग के सामने बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाए कोई भी रेसिपी, मैं वही रेसिपी आप लोग के सामने लाने की कोशिश करूंगी। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।